ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने एक साथी खातून के साथ इंतहाई निजी नौइयत के पैगामात के मामले पर जुमे को अचानक कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। खबरसां इदारे एफपी के मुताबिक उन्होंने ये ऐलान रिवायती हरीफ इंग्लैंड के खिलाफ फिशनर सीरीज शुरू होने से चंद ही हफ्ते कबल किया है। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए जज्बाती हो जाने वाले टिम पेन ने कहा, आज मैं ऑस्ट्रेलवी मर्दों की टेस्ट टीम की कप्तानी से दस्तबरदार होने के अपने फैसले का ऐलान कर रहा हूँ। इस दौरान वो अपने आंसू रोकने में नाकाम रहे जब उन्होंने एक बरस पुराने ऐसे स्कैंडल का जिक्र किया जो अभी हाल ही में सामने आया है। उनका कहना था, तकरीबन 4 साल पहले मैं उस वक्त की एक साथी के साथ टेक्स्ट पैगाम के तबादले में शामिल था। 36 साल टिम पेन का कहना था कि उस वक्त क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तहकीकात की थी जिसमें उन्होंने मुकम्मल शिरकत की। इसके साथ साथ क्रिकेट तस्मानिया ने भी तहकीकात की थी जो उस नतीजे पर पहुंची थी कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अगरचे उन्हें जाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी में मुर्तकिब नहीं पाया गया, फिर भी उन्हें उस वक्त और अब भी उस वाक्य पर नदामत है। उनके मुताबिक उन्हें मालूम हुआ है कि ये पैगाम अब पब्लिक होने वाले हैं और बहुत सोचो विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके 2017 के इकदाम ऑस्ट्रेलवी कप्तान होने के मायार और कम्युनिटी के मायार पर पूरा नहीं उतरते। पेन का कहना है, मुझे उस दर्द और तकलीफ पर बहुत एहसास है जो मैंने अपनी अहलिया, अपने खानदान और दूसरे फरीक को पहुंचाई है। मुझे किसी भी नुकसान के लिए अफसोस है जिस वाक्य से हमारे खेल की साख को पहुंचा है। टिम पेन का कहना है कि वो टेस्ट कप्तान के किरदार से दस्तबरदार हो जाएंगे। उनके मुताबिक ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। तहम उन्होंने इसरार किया कि वो अब भी इंग्लैंड के खिलाफ आइंदा सीरीज में खेलने का इरादा रखते हैं। उनका कहना था, मैं ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम का एक पुरअज़म रुकन रहूंगा और इस एशनर के हवाले से पूरा उम्मीद हूँ जो एक बहुत बड़ा दौरा होगा। तस्मानिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ने साल 2018 में सैंड पेपर गेट बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के तनाजुर में ऑस्ट्रेलवी टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली थी जिसने ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट को हिलाकर रख दिया था। साबिक कप्तान स्टीव स्मिथ और उनके नायब डेविड वार्नर को केप टाउन टेस्ट के दौरान सैंड पेपर से गेंद की शक्ल को तब्दील करने की कोशिश करने पर इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें हर तर्ज की क्रिकेट खेलने से 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और उनसे कप्तानी और नायब कप्तानी वापस ले ली गई थी जिससे पेन के लिए कप्तानी संभालने की राह हमवार हुई थी। इस हवाले से अपने एक बयान में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना था कि टिम पेन का इस्तीफा कबूल कर लिया गया और बोर्ड अब नए कप्तान की तकरूरी पर तरीकेकार के जरिए काम करेगा। जबकि क्रिकेट तस्मानिया का कहना था कि उनके ख्याल में यह बातचीत रजामंदी पर मबनी निजी थी और बालिग अफराद के दरमियान हुई थी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सरबराह रिचर्ड वैन स्टेन ने तस्दीक की है कि उन्होंने उस वक्त इस मामले की छानबीन की थी और इसमें कोई गलत बयान सामने नहीं आई थी। इस टेक्सटिंग के मामले की तहकीकात के चंद बाद ही सेलेक्टर्स ने टिम पेन को स्कैंडल से मुतासरा टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया था।